हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुभव फ्रॉम डाइव टू लर्न। और आज हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ चौसर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंड सोशल फीचर्स की। इट वाज़ ए पीरियड ऑफ द रीन ऑफ थ्री किंग्स। चौसर वाज़ बोर्न इन द रीन ऑफ एडवर्ड द थर्ड, लिव्ड थ्रू दैट ऑफ रिचर्ड सेकेंड एंड डाइड द ईयर आफ्टर हेनरी फोर्थ असेंडेड द थ्रोन। ये पीरियड था दोस्तों ब्लैक डेथ का, या जिसे हम ग्रेट प्लेग भी कहते हैं, जो कि इंग्लैंड में 1348 से 49 तक रही। अब बात करते हैं दोस्तों द लोलार्ड मूवमेंट की, जो कि 1381 में चला। लोलार्ड मूवमेंट को जॉन वाइक्लिफ ने चलाया और उन्होंने चर्च के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। उन्होंने चर्च के हैवी टैक्सेशन और चर्च जो एक्सप्लोइटेशन कर रही थी, जो एग्जॉर्सिज्म के जो लॉज चर्च ने बना रखे थे, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया और पैम्पलेट छपवाए। द हंड्रेड ईयर्स वॉर विद फ्रांस आल्सो हैड एन एडवर्स इफेक्ट अपॉन इंग्लैंड। जो हंड्रेड ईयर्स वार हुई 1337 से 1453 तक, उसका भी एक एडवर्स इफेक्ट इंग्लैंड पर रहा, और डोमिनेशन ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च तो था ही। अब हम बात करेंगे फाइव राइटर्स ऑफ द एज की। वो पांच राइटर कौन से थे जिन्होंने इस एज को बनाया। सबसे पहले आते हैं चौसर, जो कि एक स्कॉलर थे और ट्रैवलर थे। फिर आते हैं जॉन वाइक्लिफ, जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। फिर आते हैं जॉन गोवर, जो कि एक स्कॉलर और लिटरेरी मैन थे। फिर आते हैं जॉन मैंडविल, जो कि एक ट्रैवलर थे। और आखिर में आते हैं विलियम लैंगलैंड। दांते, पेट्रार्क और बकेशियो का भी एक इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि ये इटली से आए हुए राइटर्स थे और इनके लिटरेचर ने पूरे यूरोप को इफेक्ट किया। ये हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जोफ्रे चौसर। अब मैं बात करना चाहूँगा लाइफ ऑफ चौसर के बारे में। चौसर वाज बोर्न इन लंदन, मोस्ट लाइकली इन द अर्ली 1340s। थ्रू द प्रिसाइज डेट एंड लोकेशन रिमेन अननोन। चौसर जो थे वो लंदन में पैदा हुए 1340s में, और उनके फादर और उनकी फैमिली का जो नेम है वो फ्रेंच वर्ड चौसियर से निकला, जिसका मीनिंग था शू मेकर। उनकी लाइफ को डिवाइड किया जाता है थ्री पीरियड्स में। उनका यूथ 30 ईयर्स का, उनकी लाइफ एज ए डिप्लोमेट फॉर 15 ईयर्स, और लास्ट पीरियड। वो एक लंदन वाइटनर जॉन चौसर के सन थे और 19 ईयर्स की एज में हंड्रेड ईयर्स वार में गए। 1370 में डिप्लोमेटिक मिशन, उन्होंने अपना पहला जो उनका डिप्लोमेटिक मिशन था वो उन्होंने शुरू किया, और 1386 में कैंट से पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए। अब हम बात करेंगे वर्क्स ऑफ चौसर के। अब जो चौसर के वर्क्स थे, फर्स्ट पीरियड जिसे कि फ्रेंच पीरियड भी बोला जाता है, उसमें इम्पोर्टेंट वर्क था रोमांट ऑफ द रोज, विच वॉज ए ट्रांसलेशन फ्रॉम द फ्रेंच रोमन डेला रोज, ए लॉन्ग एलिगरी अबाउट लव। दूसरा वर्क था बुक ऑफ द डचेस, विच वॉज रिटन आफ्टर डेथ ऑफ ब्लांक, वाइफ ऑफ चौसर्स पैट्रन जॉन ऑफ गॉन्ट। अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स वर द ABC एंड कंप्लेंट टू PT। अब हम आते हैं दोस्तों सेकेंड पीरियड पे। सेकेंड पीरियड जिसको इटालियन पीरियड भी बोला जाता है, उसका चीफ वर्क था ट्रॉयलस एंड क्रिसिड, विच वॉज टेकन फ्रॉम बोकैशियोस फिलोस्टेटम। इस पीरियड के बाकी इंपॉर्टेंट वर्क्स थे द हाउस ऑफ फेम एंड द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। अब आते हैं दोस्तों द फाइनल पीरियड पे। द फाइनल पीरियड जिसको इंग्लिश पीरियड भी बोला जाता है, चौसर इसमें इमोर्टलाइज हुए, बिकॉज उनका जो सबसे फेमस वर्क था द कैंटरबरी टेल्स
वो इस पीरियड में आया। इन दिस वर्क ही ट्रेसेस द जर्नी ऑफ 29 पिलग्रिम्स अलोंग विद हिमसेल्फ। ईच पिलग्रिम वाज टू टेल फोर स्टोरीज व्हेन दे वर ऑन देयर वे टू कैंटरबरी श्राइन। दे गैदर्ड एट द टैबार्डिन वेयर ए मील इज प्रोमिस्ड बाय द होस्ट हैरी बेली टू हूएवर टेल्स द बेस्ट स्टोरी। द नाइट टेल्स द फर्स्ट एंड चौसर टेल्स द लास्ट टेल। अब बात करते हैं दोस्तों लैंगलैंड एंड वाइकलिफ की। विलियम लैंगलैंड जिन्होंने पायर्स प्लोमैन लिखी 1362 में, जिसमें ओरिजिनली 1800 लाइंस थी, पर फिर वैट टाइलर रिबिलियन के कारण 30 साल तक ये पोएम रिवाइज होती रही और फाइनली 18,000 लाइंस में बनकर बाहर आई। इट इज़ इन टू पार्ट्स नाउ, विजन ऑफ पेयर्स विच इज डिवाइडेड इंटू ए टेक्स्ट, बी टेक्स्ट एंड सी टेक्स्ट, एंड द सर्च ऑफ डोव डोबेट डो बेस्ट, यानी कि डू वेल डू बेटर एंड डू बेस्ट। अब बात करते हैं जॉन वाइकलिफ की। वाइकलिफ इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बाय विलियम जे लॉन्ग, मेनली नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। अब जो ट्रांसलेशंस थी बाइबल की, उनको रिवाइज किया उनके ही डिसिपल जॉन परवे ने 1388 में। अब हम बात करते हैं दोस्तों गोवर एंड मैंडविल, जॉन गोवर और जॉन मैंडविल। अब यहाँ पे थ्री वर्क्स ऑफ गोवर आर वर्थ मैंशनिंग, स्पिकुलम मेडिटेंटिस रिटन इन फ्रेंच, वर्क्स क्लेमेंटिस कंपोज इन लैटिन एंड कन्फेसियो अमांतिस रिटन इन इंग्लिश। जॉन मैंडविल इज एन इंग्लिश फॉर्म ऑफ जेहान दे मैंडविल, हु कंपाइल्ड एंड पब्लिश ए फ्रेंच बुक ऑफ ट्रेवल्स बिटवीन 1357 टू 71, विच वॉज ट्रांसलेटेड टू सेवरल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। द कलेक्शन इज सिंपली ए कंपाइलेशन फ्रॉम ऑडरिक मार्को पोलो एंड वेरियस अदर सोर्सेस। अब ऐसा माना जाता है कि जॉन मैंडविल ने जो वर्क लिखा वो एक फ्रेंच ऑथर जेहान डे मैंडविल, जिन्होंने अपना वर्क लिखा, उनकी ही ट्रांसलेशन है। अब हमने इस लेक्चर में क्या कवर किया? इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड इन ब्रीफ द वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस। वी आल्सो स्टडीड द मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। रिमेंबर दैट यू हैव टू ड्राइव टू लर्न। थैंक यू।